0.9% गिर गई। भारतीय अर्थव्यवस्था में इसे 1996 के बाद ऐतिहासिक गिरावट माना गया है और इसका प्रमुख कारण कोरोना वायरस और उसके कारण लगाए गए देशव्यापी लॉकडाउन को बताया जा रहा है। दुनिया में एक समय में सबसे तेजी से उभरती अर्थव्यवस्था रहे भारत के इस नए GDP आंकड़े से जुड़ी खबरों और लेखों को दुनिया भर के तमाम अखबारों और मीडिया हाउसों ने अपने यहाँ जगह दी है। अमरीकी मीडिया हाउस CNN ने अपने यहाँ सुर्खी लगाई है, भारतीय अर्थव्यवस्था रिकॉर्ड रूप से सबसे तेजी से सिकुड़ी। इस खबर में कैपिटल इकोनॉमिक्स के शीलन शाह कहते हैं कि इसके कारण अधिक बेरोजगारी, कंपनियों की नाकामी और बिगड़ा हुआ बैंकिंग सेक्टर सामने आएगा, जो कि निवेश और खपत पर भारी पड़ेगा। जापान के बिजनेस अखबार निकेई एशियन रिव्यू में भारतीय वित्त आयोग के पूर्व सहायक निदेशक रितेश कुमार सिंह ने एक लेख लिखा है जिसका शीर्षक है, नरेंद्र मोदी ने भारत की अर्थव्यवस्था को जर्जर बनाया। इसमें लिखा गया है कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की व्यापार समर्थित छवि होने के बावजूद वो अर्थव्यवस्था संभालने में अयोग्य साबित हो रहे हैं। 2025 तक भारत की अर्थव्यवस्था को $5 trillion की इकोनॉमी बनाने का सपना अब पूरा होता नहीं दिख रहा है। वो लिखते हैं, भारत के सबसे आधुनिक औद्योगिक शहर से आने वाले प्रधानमंत्री मोदी ने वादा किया था कि वो अर्थव्यवस्था सुधारेंगे और हर साल 1.2 करोड़ नौकरियां पैदा करेंगे। 6 साल तक दफ्तर से आशावाद की लहर चलाने के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था जर्जर हो गई है, जिसमें GDP 4 दशकों में पहली बार इतनी गिरी है और बेरोजगारी अब तक के चरम पर है। विकास के बड़े इंजन, खपत, निजी निवेश या निर्यात ठप्प पड़े हैं। ऊपर से ये है कि सरकार के पास मंदी से बाहर निकलने और खर्च करने की क्षमता नहीं है। लेख में लिखा गया है कि प्रधानमंत्री मोदी की इकलौती चूक सिर्फ अर्थव्यवस्था संभालना नहीं है, बल्कि वो भ्रष्टाचार समाप्त करने के मामले में भी नाकाम हुए हैं। मोदी ने विनाश